नहीं रहे रसिक भाई, इस खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। अपने वक्त के उम्दा कलाकार रहे रसिक दवे का 65 साल की उम्र में कल रात निधन हो गया। हिंदी गुजराती शो और सीरियल के मशहूर एक्टर रसिक दवे को फैंस बहुत मिस कर रहे हैं। आपको बता दें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि एक्ट्रेस केतकी दवे के रसिक दवे हस्बैंड थे, दोनों की लव मैरिज हुई थी ऐसा माना जाता है। टीवी इंडस्ट्री में लोग इन्हें रसिक भाई बुलाते थे, बहुत ही प्यार से बुलाया करते थे। आइए जानते हैं कि कैसे शुरू हुई केतकी और रसिक की लव स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट और ये जो खबर आई है इससे हर कोई काफ़ी ज़्यादा सदमे में है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं केतकी और रसिक की लव स्टोरी, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे। केतकी और रसिक को थिएटर के जुनून ने मिलवाया, कह सकते हैं थिएटर का प्यार ही इन दोनों को करीब लेकर आया। केतकी और रसिक ने कई सारे गुजराती सीरियल में भी काम किया, दोनों का बॉन्ड भी बहुत प्यारा था। केतकी दवे अपने क्योंकि सास भी कभी बहू थी के किरदार के लिए काफी ज्यादा फेमस रही हैं। केतकी के कैरेक्टर को उनके ट्रेडमार्क डायलॉग आरा रा 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 और उनके जामनगर की कहानियों के लिए जाना जाता रहा है, और माना जाता है कि इस टीवी शो के बाद ही केतकी ने थिएटर कलाकार रसिक दवे से शादी की थी। एक इंटरव्यू के दौरान केतकी दवे ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि इसे पहली नज़र का प्यार कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, हमने एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय किया। हालांकि शुरू में जिन संघर्षों और समस्याओं का हमने सामना किया, उन्होंने हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से समझा और हमें दोस्तों के रूप में करीब ला दिया। इसी इंटरव्यू में केतकी ने अपनी शादी के बारे में भी खुलकर बात की थी और कहा कि कैसे थिएटर और एक दूसरे के लिए उनका प्यार एक खूबसूरत साथी में बदल गया। केतकी दवे ने इस इंटरव्यू में कहा कि किस तरीके से मुझे लगता है कि ये थिएटर और अभिनय के लिए हमारा जुनून था जिसने हमें एक साथ लाया। इतना ही नहीं, केतकी ने ये भी बताया था कि रसिक उन पिताओं में से भी एक रहे जो अपने बच्चों के जीवन में पूरी तरीके से शामिल रहे और हमेशा बच्चों को टाइम देते रहे। साथ ही केतकी को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ये बात भी केतकी ने बताई थी अपने एक पुराने इंटरव्यू के दौरान, जहाँ उन्होंने बताया कि रसिक ने उन्हें कभी भी काम छोड़ने और घर पर बच्चों की देखभाल के लिए नहीं कहा। आपको बता दें, रसिक दवे और केतकी ने साल 2006 में डांस रियलिटी शो नच बलिए में भी हिस्सा लिया था और काफी ज्यादा पसंद किए गए। दोनों का डांस जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया फैंस के जरिए। हिंदी के अलावा ये कपल गुजराती फिल्मों में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था। आपको बता दें, पत्नी केतकी दवे के साथ मिलकर रसिक दवे जो है वो एक गुजराती थिएटर कंपनी भी चलाते थे। सोर्सेस की माने तो केतकी दवे ने एक और इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी बातें की थी, जहां पर उन्होंने गरबा का भी जिक्र किया था और बताया था कि जब वो यंग थी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया। उन्होंने बताया कि कैसे यंग डेज के दिनों में वो अपने हिसाब से कपड़े पहनती थी और उनके बॉयफ्रेंड रसिक दवे के साथ वो नवरात्रि में गरबा खेलने जाया करती थी। रसिक दवे और केतकी दवे टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल्स माने जाते थे। रसिक दवे की फैमिली में उनकी पत्नी केतकी और दो बच्चे रिद्धि दवे और अभिषेक दवे हैं। फिलहाल रसिक देव के यूं चले जाने से केतकी पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।